हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। तो कल की वीडियो पे कमाल का रिस्पांस, 8K व्यूज 24 आवर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है 10K हम लोग क्रॉस कर लेंगे। मतलब कमाल है भाई। एप्पल इवेंट की फाइनल डेट अनाउंस हो गई है। एक नहीं दो लीकर ने ट्वीट किया और दोनों बहुत ज्यादा तगड़े लीकर है, मतलब कमाल। और इस टाइम पे एप्पल फैंस मतलब बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना, इंटरेस्टिंग होने वाली। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर इस चैनल को ग्रो करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईफोन SE 3 और आईफोन SE+। बहुत लोग, सच में बहुत लोग कमेंट सेक्शन में हर बार यही बोलते हो कि आप लोग इतने कमेंट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन क्या है यार, जो चीज नहीं आ रही उसका रिप्लाई देने में मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग फिर बाद में बुरा फील करते हो। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस मार्च एवन में पक्का SE+ आ रहा है, तो नहीं आ रहा। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मिंची को जो एक लीकर है उसने बताया 2022 में एप्पल ने जो है सारा कुछ शिफ्ट कर दिया है और अब आईफोन SE 3 आएगा 2022 में विद 4.7 इंच डिस्प्ले। मतलब ये बहुत ज्यादा खराब चीज थी, A14 बायोनिक चिप और 5G। तो यही था पूरा मैंने थंबनेल में क्यों डाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट था इसके ऊपर। तो मैंने बता दिया कि ये कब आ रहा है, अपडेट दे दिया आप लोगों को। अब प्लीज बार बार कमेंट सेक्शन में मत पूछना, क्योंकि मेरे को पता है यार आप लोगों को उम्मीदें होती हैं, लेकिन बार बार सेम चीज रिपीट करने में मेरे को भी नहीं मजा आता। मैं चाहता हूं आपको नया सा नया कंटेंट दूं। बात कर लेते हैं पूरे लाइनअप में क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले iPad Pro Mini LED के साथ आने वाला है 5G। उसके बाद iPad Mini 6, iPad Mini 9 जनरेशन, इसके ऊपर सारे लीक चल रहे हैं, कंफर्म नहीं, लेकिन iPad Pro तो पक्का कंफर्म्ड है। उसके बाद AirTags कंफर्म्ड है, 2019 से लीक चल रहे थे लेकिन अब फाइनली आ रहे, क्योंकि सैमसंग ने भी निकाल दी अपने स्मार्ट गैलेक्सी टैग्स, तो अब एप्पल निकालेगा ही निकालेगा। उसके बाद हमारा एप्पल टीवी रिमोट, उसके ऊपर भी बहुत सारे लीक्स थे लेकिन अब वो भी फाइनली आ रहा है। मैकबुक पे बहुत सारे लीक्स थे लेकिन मैकबुक अभी नहीं आएगा, WWDC में आएगा जून के अराउंड में, क्योंकि अभी इतनी जल्दी M1X पे काम करना और प्रोडक्शन इट इज डिफिकल्ट एप्पल के लिए। बाकी देखते हैं क्या निकल के आता। हो सकता है हम लोगों को एयरपॉड्स देखने के लिए मिले, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक लीक निकाला था, हैंड्स ऑन व्यू एयरपॉड्स प्रो था या फिर एयरपॉड्स 3 थे, हम लोग खुद कंफ्यूज थे क्योंकि सिर्फ बाहर का समझ आ रहा था। वैसे तो वो एयरपॉड्स 3 थे, क्योंकि एयरपॉड्स प्रो में जो लीक निकल के आ रहा है वो विदाउट स्टैम्प है। तो हो सकता है हमको एयरपॉड्स 3 मतलब थर्ड जनरेशन भी इस बार देखने के लिए मिल जाए। बाकी देखते हैं पूरे एप्पल इवेंट में क्या निकल के आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेट की। तो यहाँ पे जॉन प्रोसर और डून राइट जो ये दोनों लीकर हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब पूरी एप्पल लीकर कम्युनिटी के मेरे हिसाब से, मैं इन पे बहुत ज्यादा रिलायबल हूँ लीक्स के हिसाब से, मैं दोनों को ही फॉलो करता हूँ। तो इन लोगों ने ट्वीट किया 23 मार्च, जब हमारा OnePlus 9 लॉन्च हो रहा है और इस बार एप्पल इवेंट भी 23 मार्च को होने वाला है। पहले भी ऐसा ही हुआ था जब OnePlus 8 लॉन्च हुआ था इस बार, और तब एप्पल इवेंट में आईफोन 12 लॉन्च हुआ था, एक दिन का डिफरेंस था। इस बार दोनों चीजें ही साथ में होने वाली है, मतलब 23 मार्च को एप्पल इवेंट भी और OnePlus 9 भी जो है लॉन्च हो रहा है। OnePlus 9 के ऊपर इतनी फाइनल कंफर्मेशन नहीं दी जॉन प्रोसर ने, लेकिन डून रुई ने दी, और हो सकता है इस बार दोनों चीजें साथ में आएंगी तो अच्छी बात है। आपको पूरी वीडियो डिटेल में देखने के लिए मिलने वाली है उसी टाइम पे रात को, हो सकता है हम लोग लाइव स्ट्रीम करें। बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहां तक अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।